एक रुख करते हैं दौसा जिले की, जहां पर आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी गांव में तेज तूफान आने के कारण 3 दिन से 3 फेज सप्लाई बंद कर दी गई है और इसी से वहां पर रहने वाले गांव में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को पानी की समस्या के से जूझना पड़ रहा है। और इसी को लेकर के अभी विद्युत विभाग का कहना कुछ और ही है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट से। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी गांव बड़ियाल कला, गढ़मैरी, टोगड़बास, रलावता, रूपवास, कठा नाड़ी गांव में गहराया जल संकट। भाजपा देहात मंडल बांदीकुई के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि 13 जून को तेज तूफान में बारिश के बाद 3 फेज विद्युत सप्लाई 3 दिन से पूर्णतः बंद हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट गहरा जाने से पशुधन व ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विद्युत अधिकारियों से बात करने पर कोई संतोषपूर्ण जवाब भी नहीं मिल पा रहा कि विद्युत सप्लाई कब चालू होगी। ऐसे में निजी खर्चे से ग्रामीणों को जनरेटरों का सहारा लेकर के ट्यूबवेलों से पानी निकालना पड़ रहा है। ग्रामीणों पर कोरोना काल में आर्थिक दोहरी मार पड़ रही है और उधर गहलोत की कांग्रेस सरकार अपनी दलीय लड़ाई में व्यस्त है। समय रहते सरकार विद्युत सप्लाई दुरुस्त कराए, अन्यथा मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। जनरेटरों से टंकी भरने के अवसर पर महेश भासरोटा, महेश रलावता, कमल सिंह, विश्राम आडवाणी, बाबू महंत, बने सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। राजस्थान की जो गहलोत सरकार है वो आपसी लड़ाई में व्यस्त है और यहाँ पे जो तूफान आया है बांदीकुई क्षेत्र में उससे बहुत सारे विद्युत पोल गिर गए, पेड़ गिर गए और आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइट सप्लाई बिल्कुल बंद है और जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का पशुधन और आपके जो आदमी हैं वो प्यासे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरन जनरेटर का सहारा लेकर के और पानी भरने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूँगा कि आपकी जो लड़ाई है उसे बंद करें और लाइट को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएं। अधिकारियों से बात की तो वो गोलमोल जवाब है उनका, वो ये नहीं कह रहे कि लाइट शाम को आएगी, कल आएगी या परसों आएगी। ऐसे में बेचारा किसान करे तो करे क्या। तो गहलोत सरकार से निवेदन है कि लाइट को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएं ताकि जो पानी की जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। धन्यवाद।